तो मैंने पूछा भाई इलेक्शन कौन लड़ रहा है, तो लोग कहते थे कि एक तरफ बीजेपी है दूसरी तरफ जनता है। ताली बजा दीजिए जिग्नेश को। इसी बात के साथ मैं जिग्नेश को आमंत्रित करता हूं कि आइए और अपने अनुभव और विचार साझा कीजिए हम सब। जिग्नेश यदि बुआ बबुआ वाला कॉम्बिनेशन चल जाए तो 2019 के कुरुक्षेत्र में दुर्योधन और दुशासन की हार निश्चित है। आज मेरा गला कुछ ज्यादा ही खराब है तो ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो इस बात की बड़ी खुशी है और मंच पे जो भी युवा साथियों ने अब तक बात रखी और खास करके स्टूडेंट्स लीडर ने, उससे मुझे भी ऊर्जा मिली। और भगत सिंह की मेरी एक बहुत फेवरेट लाइन है, वो मुझे याद रहेगी, उनका एक पीस है युवक, और उसमें वो लिखते हैं कि युवावस्था मनुष्य जीवन का वसंत काल है, उसे पाकर मनुष्य मतवाला हो जाता है, हजारों बोतलों का नशा छाता है, सारी शक्तियां सहस्त्र धारा होकर फूट पड़ती है। युवावस्था में मनुष्य के लिए केवल दो ही विकल्प है, वो चढ़ सकता है उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर, वो गिर सकता है अधपात के अंधेरे खंडक पे। चाहे तो त्यागी बन सकता है युवक, चाहे तो विलासी बन सकता है। हे भारतीय युवक, गफलत की नींद में पड़ा बेखबर तो क्या सो रहा, देख प्राची दिशा के ललाट का सिंदूर रंजित हो उठा, अब अधिक मत सो, सोना है तो अनंत निद्रा की गोद में जाकर सो। तो साथियों, आज हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान और पूरा भारतवर्ष, इस देश का किसान और मजदूर, दलित आदिवासी और अल्पसंख्यक उतनी क्राइसिस वाली सिचुएशन में है कि हम सभी को, जिसे कि एक से ज्यादा साथियों ने इस मंच पर से कहा, इसी बात को हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार दोहराना है कि 2019 में हर कीमत पे, चाहे कितने भी सैद्धांतिक, वैचारिक, आइडियोलॉजिकल मतभेद हो, इन चोरों के सामने हमको एक होना है। इस वक्त मैं मेरी आइडियोलॉजिकल प्योरिटी को मेंटेन करूं और ये सफेद दाढ़ी और काली दाढ़ी हमारे ऊपर राज करे, ये नहीं होने देना, ये बहुत क्लियर बात है। साथियों, मार्क्सवादी टर्मिनोलॉजी में जिसको बुर्जुआ कहते हैं, सच देखिए तो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से मैं भी बुर्जुआ हूं, मिडिल क्लास से आता हूं, तो जैसे जैसे हमारा अंबेडकराइट और वामपंथी ओरिएंटेशन बढ़ता गया तो मुझे लगातार ये खुद को कहने की जरूरत पड़ी कि आरक्षण से भी ज्यादा इस देश के प्राइवेट कंपनीज और फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर दलित है, मैं उनकी आवाज बनूं। जितनी जितनी मेरी चेतना बढ़ती गई, मुझे लगा कि मैं आरक्षण से भी ज्यादा जो लोग गटर में उतरते हैं, जो सफाई कर्मी है और जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर है, उनकी आवाज बनूं। और इसके चलते इस वक्त चाहे आरक्षण के होते हुए सामाजिक न्याय की लड़ाई उसके आगे आखिरी मंजाम तक पहुंचे न पहुंचे, आरक्षण और प्रतिनिधित्व के चलते जाति निर्मूलन हो न हो, लेकिन इस देश के दलित आदिवासी और बहुजनों के लिए यह प्रतिनिधित्व कितना महत्वपूर्ण हो, उसका एक छोटा सा किस्सा आपके सामने पेश करता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी वड़गाम में गया था और वहां पर दो ऑफिसर्स मुझे मिले और उन्होंने कहा कि आप गुजरात की असेंबली में न पहुंचे इसके लिए आपको मालूम नहीं कि क्या क्या हुआ है। हमारे ऊपर पीएमओ से फोन आता था,
और विजय रूपाणी की ऑफिस में से फोन आता था कि जिग्नेश के नॉमिनेशन फॉर्म में से किसी भी एक डॉक्यूमेंट को फाड़ दो। उसके पर्चे में से कोई टेक्निकल एरर निकालो, और यदि ये टेक्निकल एरर निकालने के लिए तुम सक्षम नहीं तो हम एक्सपर्ट्स की एक टीम को भेजते। सिर्फ एक जिग्नेश मेवाणी गुजरात के किसान और मजदूर, गरीब और मजलूम, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक की आवाज बनकर एक प्रतिनिधि के तौर पे असेंबली में न जाए, इसके लिए पीएमओ कॉन्स्पिरेसी कर रहा था। और इसीलिए जरूरी है कि कुछ हद तक विश्वविद्यालय में, इस देश के पार्लियामेंट में और हर एक स्टेट की असेंबली में लड़ने वाले वो लोग जो संघर्ष के मैदानों में से उठकर खड़े हुए, उनका प्रतिनिधित्व हो। और आज जब रोस्टर को डिस्टोर्ट करके आरक्षण को खत्म करने की बात चल रही है, तो बहुत स्वाभाविक है आरक्षण को खत्म करने की जब बात हो या एट्रोसिटीज के कानून को खत्म करने की बात हो, तो दलित, आदिवासी और ओबीसी का अपने अधिकारों के लिए उठ खड़ा होना बहुत स्वाभाविक और लाजमी है। लेकिन यहां पर जो नॉन दलित, नॉन मुस्लिम, नॉन ट्राइबल स्टूडेंट्स खड़े हैं, उनसे मेरी अपील है कि जब प्रोफेसर रतनलाल और जिग्नेश, शरद यादव जी और अली अनवर जी जब आरक्षण बचाने की बात करें, तो हमसे हजार गुना ताकत के साथ साथ में मिलकर आप ये मुद्दा उठाना कि 2 करोड़ युवा को जो रोजगार देना था उसका क्या हुआ। क्योंकि कहीं ना कहीं इस देश की 125 करोड़ जनता के साथ माननीय प्रधानमंत्री ने जब फ्रॉड, चिटिंग और 420 की है, 15 लाख देने का प्रॉमिस देकर 15 पैसा नहीं दिया, और 2 करोड़ युवा को रोजगार के नाम पे जो ठेंगा दिखाया, ये असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एट्रोसिटीज के कानून को खत्म करना, आरक्षण की पॉलिसीज को डिस्टोर्ट करना, इसी 25 से चीजें वो लेकर आएंगे। और उस वक्त हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिस स्पिरिट और जज्बे के साथ हम ऊना और सहारनपुर की बात करें, जिस स्पिरिट और जज्बे के साथ हम आरक्षण बचाने की बात करें, उससे 1000 गुना स्पिरिट और ऊर्जा के साथ ये सवाल खड़ा करेंगे कि 2 करोड़ युवा को रोजगार क्यों नहीं मिला। तो असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की उनकी ये जो राजनीति है, उसको समझते हुए सारे आंदोलनों में हमको शरीक होना है और उसको शेप करना है। आज साथी, मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जब भी इस मुद्दे को लेकर इस देश के किसी भी कोने में संघर्ष होगा, मैं सबसे पहले आपके बीच में खड़ा रहूंगा, और ये मेरा वादा है। आज इतना तो मैं आपको कहता हूं कॉन्फिडेंस के साथ कि गुजरात की असेंबली में जो 182 विधायक है, उसमें से सिर्फ मैं अकेला हूं जो हफ्ते में 3 बार सड़कों पर उतरता हूं। और इसीलिए पिछले हफ्ते जब मैं जयपुर गया, तो जाते ही एयरपोर्ट में मेरे हाथ में एक पर्चा थमा दिया गया कि जिग्नेश भाई, पूरे प्रदेश के लिए नहीं, आपके लिए धारा 144 लगी है, आप नागौर डिस्ट्रिक्ट में पैर नहीं रख पाओगे। ये रहा पर्चा। उनको देख के मेरे मजाक में कहा था, क्या दरोगा जी स्वागत नहीं करोगे हमारा? तो उन्होंने सचमुच कहा कि आपके स्वागत के लिए ये पर्चा पट लीजिए। फिर 4 घंटा जो दोस्त हमको रिसीव करने आए थे, उनकी कार के अंदर करीब करीब कन्फाइन करके रखा, बोला आपकी फिजिकल मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। अरे कौन से कानून की कौन सी धारा, कौन सी प्रोविजन के चलते? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने वाला एरोगेंस में लेकर कभी घूमता नहीं, मैं सिटीजन के तौर पे बात करता हूं। एमएलए ठीक है, बहुत देखे इस देश में, मोदी जी को तकलीफ एमएलए विधायक जिग्नेश नहीं है, आंदोलनकारी जिग्नेश है। जयपुर में भी
मेरी एंट्री को बैन कर दिया। 10:30 बजे सुबह नागौर डिस्ट्रिक्ट में से मेरा प्रवेश निषेध कर दिया। 2:30 बजे दूसरा पर्चा दिया आपने और कहा कि दूसरी धारा 144 के तहत 15 से 30 अप्रैल तक जयपुर में कोई भी रैली, धरना, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोटेस्ट में आप न पार्टिसिपेट कर सकते हैं न उसमें वक्तव्य दे सकते। तब मेरे मन में यह सवाल उठा कि क्या इस देश का एक सिटीजन जो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी है वो आसिफा के मामले में जयपुर में जाकर मौन रहते हुए मोमबत्ती भी नहीं जला सकते। ये हमारे संविधान की हालत करके रखी। तो साथियों, आपके बीच में जिन युवा साथियों ने बात रखी और जिस जज्बे के साथ बात लगी, उस जज्बे को, स्पिरिट को मैं सलाम करता हूं। आप सभी युवा साथियों को अपील करता हूं कि इस वक्त इस देश में इज्म के झगड़े में पड़ने के बजाय एक टारगेट हम लेके चले, इनको हराना है। 2019 में इनको गिराना है। इस वक्त उससे बड़ा कोई इज्म या वाद नहीं। मैं यहां तक भी कह दूं कि संघ और भाजपा को 2019 में रोकने से चलते कोई क्वालिटेटिव चेंज नहीं होगा, कोई बात नहीं ना हो, लेकिन थोड़ी बहुत भी जो इस देश में डेमोक्रेसी बची है, जो भी हमारा संविधान है, संविधान का जो स्पिरिट है एक सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेसी खड़ी करने का, वो नहीं रहेगा यदि ये लोग 2019 में दोबारा पावर में आए। तो साथियों, इसी बात के साथ मेरी बात यहां खत्म करता हूं कि आरक्षण के मुद्दे के साथ साथ 2 करोड़ युवा को रोजगार मिले, ये मुद्दा हमारे जहन में से एक इंच भी साइड में ना हो। ये वो असली मुद्दे है जिनको दबाने के लिए, जिनको छुपाने के लिए कभी गाय के नाम पे राजनीति होती है, कभी लव जिहाद की बात होती है, तो कभी घर वापसी की बात होती है। मुझे लग रहा है कि ये मुद्दा भी हमको उठाना चाहिए कि इस देश के स्कूल्स में प्राइमरी टीचर्स और हायर प्राइमरी टीचर्स की कम से कम 10 लाख पोस्ट वैकेंट्स है, 5 लाख से ज्यादा पोस्ट वैकेंट्स है मेडिकल ऑफिसर्स और डॉक्टर्स, इंजीनियरिंग के 3,290 से ज्यादा कॉलेजेस में 15 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2 करोड़ रोजगार का प्रोमिस देकर ठेंगा दिखाया है, इस बात का जवाब सबसे ज्यादा इस देश के युवा वर्ग को देना है। इस बात के साथ मेरी बात को खत्म करता हूं और मुझे उम्मीद है हम लोग साथ में मिलेंगे, संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और लड़ेंगे तो जीतेंगे भी। और जिन लोगों ने जयपुर में मेरी एंट्री बंद की है उनके लिए कहना चाहूंगा कि मोदी जी सुन लीजिए, आपका पीछा तो मैं मंगल तक करने वाला हूं। जय भीम।